सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस के पर्सन हैं उनकी उनके सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनसे उनके लिए क्या महसूस करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, और अगले 72 आवर्स में जो सेजिटेरियस के पर्सन हैं क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 3 फरवरी से 10 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बता रहे हैं सेजिटेरियस के पर्सन, सेजिटेरियस के लिए क्या फील करते हैं, उनकी उनके प्रति क्या करंट फीलिंग्स है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और द डेविल और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लग रहा है कि उनके पास दो दो ऑप्शन हैं, वो या दो दो चेहरे उनके हो सकते हैं। वो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रही है, वो उनके दिमाग से उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और इसमें एडिक्शंस हैं, कोई इसमें कुछ ना कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं जो उनको परेशान किए हुए हैं, जो उनको दुख दे रही हैं, या नेगेटिव एनर्जी हैं जो उनके एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, और ये रिश्ता उनके लिए एक टॉक्सिक रिश्ता है, जो उन जिसमें उनको परेशानी दिक्कत हो रही है। तो जो एडिक्शंस हैं, जो परेशानी हैं, जो बाधाएँ हैं, उनको लग रहा है कि ये उनको आगे जाके उनका रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने दे सकते, और जो माइंड गेम, जो मैनिपुलेशन चल रही है, वो इनको इन परेशानियों को उनको इससे परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन की जा रही है, तो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो उनको ये सिचुएशन, ये रिश्ता, ये एक टॉक्सिक रिश्ता लग रहा है। वो इससे अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं चाहते, वो इसमें और उनको लग रहा है कि वो इसमें जगलिंग कर रहे हैं, वो अपने बार बार इसमें चेहरे बदले जा रहे हैं, कभी वो कुछ दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। तो वो उनके प्रति सोच रहे हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये रिश्ता एक एडिक्शन है, एक बाधा है, एक रुकावट है, जो आगे जाकर काफ़ी दुख दे सकती है, काफ़ी परेशानी दे सकती है। तो वो अभी इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो चाह रहे हैं कि पहले ये सिचुएशन ठीक हो, तभी इसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो अभी वो जगलिंग के फेस में हैं, अभी वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उनका ऑप्शन होते हुए भी वो इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सेजिटेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, सेजिटेरियस को अपने पर्सन के प्रति कैसा महसूस हो रहा है। सेजिटेरियस अपने पर्सन के लिए, सेजिटेरियस की अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं सेजिटेरियस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस। तो सेजिटेरियस अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो कंफ्यूजन में है, वो दिक्कत में है, और उनको उसके क्योंकि उनको हो सकता है कि कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई चोरी ऐसी उनके या
सामने आ गई है जो उनको परेशान कर रही है, जो उनको दुखी कर रही है। तो कोई ना कोई इसमें बेईमानी हो सकती है, कोई लापरवाही हो सकती है, या कोई कुछ ना कुछ उनसे छिपाया जा रहा है, जिसकी वजह से सेजिटेरियस के पर्सन को लग रहा है कि या तो सेजिटेरियस उनसे कुछ छिपा रहे हैं या तो उनके पर्सन उनसे कुछ छिपा रहे हैं। तो इसमें लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य या तो उजागर हो गया है या तो उजागर होने वाला है, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, वो सो नहीं पा रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं, दिक्कत हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि इसमें न्याय मिले, इस जिसने जैसे कर्म किए हैं उस कर्मानुसार उसको फल मिले, और वो चाहते हैं कि वो इसमें न्यायप्रिय हों और जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको सुधारें, कम से कम अब कोई ऐसा गलत काम ना करें कि भगवान उनके साथ अन्याय करे उनको इसमें। तो वो ऐसा ही चाह रहे हैं कि जैसा उन्होंने सैजी के पर्सन ने उनके साथ किया है वैसा ही उनको फल मिले और यूनिवर्स उनका न्याय करे, और अगर उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया है तो उनको उसका गलत रिजल्ट मिले, और अगर उन्होंने उनके साथ अच्छा किया तो अच्छा रिजल्ट मिले। वो यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि यूनिवर्स इसका फल दे और वो इस कन्फ्यूज़न से निकलें, इस परेशानी, इस दिक्कत से बाहर आए और उनको कुछ ना कुछ अपने इर्द गिर्द इसका कोई सॉल्यूशन मिले। तो ऐसा वो चाह रहे हैं क्योंकि वो और वो चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा चाहते हैं उनसे कि अगर उन्होंने उनसे कोई छिपाया है, कोई धोखाधड़ी की है, कोई चोरी की है, या कोई ऐसा राज जो उनसे बताया नहीं गया है, तो वो उसे बताएं ताकि वो इसमें चैन की सांस ले सकें, आराम कर सकें और यूनिवर्स जी उसके साथ उनका अन्याय कर सके, उनका न्याय कर सकें, उनके कर्मानुसार उनको फल मिले। ऐसा भी वो चाह हो सकता है कि ऐसा वो चाह रहे हैं सैजी के पर्सन, सैजी अपने पर्सन के प्रति, के जो उनसे वो छिपा रहे हैं उसमें उसी के अनुसार उनको फल मिले, उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जी इसमें न्याय करें, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई अन्याय ना हो, ऐसा वो चाह रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्या अगले 72 आवर्स में जो सेजिटेरियस के पर्सन हैं उनके लिए, सैजी के लिए कोई एक्शन लेंगे? क्या सेजिटेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेने वाले हैं? क्या सेजिटेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेने वाले हैं? सैजी के पर्सन चाह रहे हैं कि जो उन पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, जो उनसे भरोसा तोड़ा गया है, जो उन पर वो उनके प्रति विश्वास करें, उन पर भरोसा करें, चाहे या खुद पर वो भरोसा करें, जिस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो रही है, पैसों से लेकर या जिस चीज़ से भी, वो उस पर फोकस करें और अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद बनाए, वो दूसरे पर विश्वास ना करें, और वो चाहे उसके लिए भले ही उन्हें लोगों से किनारा करना पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, प्रेयर करनी पड़े, और अगर वो इसमें स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी चाहते हैं तो वो उसमें भगवान में आस्था लगाएं, लेकिन अपनी मंजिल खुद बनाएं, अपना रास्ता खुद बनाएं। अगर वो खुद अपना रास्ता बना लेते हैं तो भगवान भी उसमें साथ देने वाले हैं, और उसके बाद ही जब उनको लगे कि वो इसमें, तभी वो इसमें कोई एक्शन ले। फिलहाल के लिए इसमें कोई एक्शन लिया नहीं लग रहा, वो चाह रहे हैं कि पहले अपने आप को मेडिटेट करें, हीलिंग करें, प्रेयर करें, और अपने ऊपर विश्वास करना सीखें, अपने ऊपर विश्वास करें, जो नेगेटिविटी उनके इर्द गिर्द है उसको ख़त्म करें, और
थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाएं, दूसरे पर विश्वास करना सीखें, और इसके बाद ही अगर उनको ठीक लग रहा है तो तभी वो इसमें कोई एक्शन लें, इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। और अगर वो एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे करके वो आगे ठीक हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो इसमें कोई एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे, कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सब कुछ जब क्लियर हो जाए, ठीक हो जाए, जब वो अपना रास्ता बना लें, अपनी मंजिल तय कर लें, अपने ऊपर विश्वास कर लें या दूसरों पर विश्वास करना सीख लें, तभी वो इसमें एक्शन लें और इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है, चलिए देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है, इस सप्ताह गाइडेंस कैसी रहने वाली है, इसकी गाइडेंस क्या बता रही है, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो उन्होंने हर चीज़ पर कंट्रोल किया हुआ है, चाहे उनकी सोच है, चाहे कोई प्यार है, कोई पैसा है, कोई कुछ भी है जिस पर वो अटके हुए हैं, जिसको वो रोके हुए हैं, जिसको वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, उसको रिलीज़ करें, उसको लूज़ छोड़ें, उस पर अनावश्यक कंट्रोल ना करें और जो समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर समय उनके साथ चल सकता है, समय उनका साथ दे सकता है, अगर वो इस पर फोकस करें और समय के अनुसार ईमानदारी के साथ उल्टा कर दिया। तो अगर वो ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना कोई चालबाजी के, बिना किसी के साथ हेरा फेरी करे इसमें आगे बढ़ते हैं, समय को एक सही दिशा देते हैं, एक मार्गदर्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अच्छे अपने कर्मास सुधारने की कोशिश करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो यूनिवर्स ही उनका साथ देने वाले हैं। समय का सदुपयोग किया जा सकता है, उसके साथ अपने कर्मास सुधारे जा सकते हैं, इस समय को यूटिलाइज़ किया जा सकता है अच्छे कामों के लिए। अगर वो अच्छे कामों के लिए इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो उनको इसका फल अच्छा मिलने वाला है, और अगर वो इसको गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो यूनिवर्स ही उसका न्याय करने वाले हैं। तो कम से कम यूनिवर्स ही इसमें गाइड करना चाह रहे हैं कि सही समय का उपयोग करें, सही इसको जो उनको समय मिल रहा है अपने आप को सुधारने का, तो उस पर फोकस करें और अपने आप को सुधारें, सही समय पर सही काम करें और एक सही समय आने का इंतज़ार करें। अभी इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, कोई एक्शन ना लें, पहले जो उन्होंने अनावश्यक कंट्रोल किया हुआ है उसको रिलीज करें और समय का सदुपयोग करें, अच्छे अच्छे कामों के लिए लगाएं, और जो कर्माज उन्होंने जो अगर उन्होंने जो अब तक अन्याय किया है, जो बुरे कर्म किए हैं, उसको कम से कम अब सुधारें और अच्छे कामों के लिए इस समय को समय दें, और एक सही समय अगर वो अपने आप को सुधार लेते हैं, इसको सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, सही यूटिलाइज करते हैं समय को, तो सही समय आने का सही एक इंतज़ार करें, वेट करें, क्योंकि उनको इसमें सही डायरेक्शन मिल सकती है, जो वो चाह रहे हैं वैसा इसका रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अभी उनको वेट करने की ज़रूरत है, सही समय आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय उनको सही नहीं लग रहा है। अभी इसको जो अनावश्यक कंट्रोल है उसको छोड़ने की ज़रूरत है और यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है और अच्छे कर्माज करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी सही लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।